again you are most welcome to my channel. This channel is all about creating and exploring, and if you are new to my channel then you must subscribe to the channel. And one more thing, meet my new friends are in the beautiful, like kitne sundar lag rahe hain yaar. Maine socha inko main video mein bula leti hu. To hello bolo. Ye hello bol rahe hain, sundar lag rahe hai na. Aur okay chalo, moving on to the video. So, आज हम लोग फ़ोन कवर्स पेंट करने वाले हैं. जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा, तो आज हम बहुत मज़े करने वाले हैं. और उससे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो शूट करते टाइम काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या फ़ोन कवर्स पे भी एक्रिलिक ही यूज़ करते हैं या कोई और पेंट यूज़ करते हैं, या एक्रिलिक यूज़ करेंगे तो ये ख़राब तो नहीं हो जाएंगे. तो मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में ही दे देती हूँ कि मुझे पता तो नहीं है कि फ़ोन कवर्स पे एक्रिलिक से यूज़ करते हैं या कोई और कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने इतना देखा नहीं है. मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च करी, बट उसमें वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उन्होंने वो नहीं दिखाया. और मोस्टली लोगों ने वैसे एक्रिलिक ही यूज़ करा. इग्नोर मेरी गली वाले. तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, वीडियोस में दिखाई नहीं कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करे. मोस्टली लोगों ने वैसे एक्रिलिक्स ही यूज़ करे हैं. बट मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो एक्रिलिक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्ट पीसेस पेंट करे इससे पहले जो प्लास्टिक के थे या डिफरेंट मीडियम्स के थे, वुड पे थे या वॉल पे थे. इनफैक्ट जो मैंने वॉल पेंटिंग्स करी हैं या मैंने जो वुड पे भी पेंटिंग्स करी हैं, वो सारी मैंने एक्रिलिक से करी है. तो वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज कि आपको वार्निश यूज़ करना होता है अपने आर्ट प्रोडक्ट्स पे, जिससे आपके आर्ट प्रोडक्ट्स ख़राब ना हो. जैसे कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा उन्हें मैंने यही बताया कि आप कौन सा वार्निश यूज़ करते हो. इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप स्प्रे वाला वार्निश यूज़ कर रहे हो या आप लिक्विड वाला वार्निश यूज़ कर रहे हो. बिकॉज स्प्रे वार्निश मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप अपने आर्ट पीसेस पर, जो आप किसी चीज़ों पर पेंट करते हैं, उन पर आप स्प्रे वार्निश यूज़ करें. बिकॉज वो बिल्कुल नहीं टिकता है, वो ख़राब हो जाता है. मैंने ट्राई करके देखा है. आई ऑलवेज़ यूज़ टू प्रेफर द लिक्विड वन, जो बहुत सारे ब्रांड्स का आता है. आपको जौन सा अच्छा लगे, मैं आपको अपने वाले का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ. मैं लिक्विड वाला प्रेफर करती हूँ, जिससे आपके आर्ट पीसेस कभी ख़राब नहीं होते हैं. मैंने अभी अपने फ़ोन कवर्स पर भी जो है वही पेंट के बाद अपने वार्निश यूज़ करा है. आप लोग भी अपने आर्ट पीसेस पे, जो भी आर्ट पीसेस हो उस पर वही यूज़ करें, तो आपके आर्ट पीसेस भी कभी ख़राब नहीं होंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so firstly meet my friends personally. They are the one who make my morning good. So let's get started with them. So the first step is अपना फ़ोन कवर लो. मैंने ये नया फ़ोन कवर लिया था जो मेरे पास था, मुझे बनाना था. तो सबसे पहले स्टेप जो है वो हमारा है कि हम उस पर वाइट एक्रिलिक को पेंट करेंगे एक अच्छा और स्मूथ बैकग्राउंड देने के लिए, ताकि जो हम आगे डिटेल्स करें वो उसमें अच्छे से शो हो. तो इसीलिए मैंने पहले वाइट एक्रिलिक की दो लेयर्स करी हैं अपने फ़ोन कवर के ऊपर. पहले मैं उसके बॉर्डर्स पे नहीं करने वाली थी, बट फिर मतलब लास्ट में मैंने वो भी कर दिया. ब्रश के बाद भी, ब्रश के स्ट्रोक्स ना, ब्रश यूज़ करने के बाद आपको स्ट्रोक्स दिखाई देंगे. तो इसलिए मैंने ना एक जो स्पॉन्ज की शीट होती है ना, जो काफ़ी कपड़ों, जब हम नए कपड़े खरीदते हैं तो उसके बीच में आती है, तो उस शीट से भी आप अपने कलर को डैप डैप करके अगर लगाओगे तो उससे क्या होगा कि काफ़ी स्मूथ जो फिनिश आएगा और आपके स्ट्रोक्स दिखाई नहीं देंगे. फिर पेंसिल से मैंने अपनी जो फिगर है जो मेरे को बनानी है वो मैंने ड्रॉ कर ली है. तो सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने इसे स्टार्ट करा था. तो मैंने स्टार्ट करा था मधुबनी से. मैंने सोचा था कि कुछ अलग करते हैं, फ़ोन कवर पे मधुबनी बनाते हैं, जो आज तक शायद लोगों ने ट्राई नहीं करा है. तो मैंने वही करा. बट एक्चुअल में जिसके लिए मैंने बनाया था, जिनका ही कवर था, उनको पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा. तो फिर मुझे ये चेंज करना पड़ा. जी हाँ, ये जो कवर है इसके ऊपर मैंने दोबारा पेंट करा था. तो ये तो फर्स्ट जो पेंट है वो मैंने आपको दिखाया है. मैं दिखा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुंदर था इसका प्रोसेस. तो मैंने सोचा कि क्या पता उनको अच्छा ना लगाओ, पर आप लोगों को अच्छा लगे, तो इसीलिए मैंने दिखा भी दिया है साथ में. सी द होल प्रोसेस एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइस लाइक इट और नॉट. और आपको सारे फोन कवर्स में से कौन सा वाला फोन कवर सबसे ज्यादा पसंद आया, ये वाला आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, या फिर इस वाले को मुझे खराब नहीं करना चाहिए था, प्लीज लेट मी नो. मेन फिगर्स को ड्रॉ करने के बाद मैंने इसके बॉर्डर पे काम करा है, और ब्रश से बहुत ही धीमे धीमे मुझे काम करना पड़ा इसका. और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग था, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो करने में. इनफैक्ट आई एंजॉयड द प्रोसेस. आई होप आप लोगों को भी प्रोसेस उतना ही अच्छा लग रहा हो और आप लोगों को सारे स्टेप समझ में आ रहे हो. किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Done with our phone cover.
इवेंचुअली जिसके लिए ये कवर था उन्हें पसंद नहीं आया तो ये चेंज करना पड़ा. सो उसके बाद मैंने इस पर कुछ इस तरीके का कलर करा था. दूसरे जो उसी सेम कवर पे मैंने दोबारा पेंट करा था. तो ये देखिए अब मैंने इस पर जो दूसरा डिज़ाइन बनाया है वो मैंने फ्लोरल प्रिंट्स बनाए क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें फ्लोरल प्रिंट चाहिए अपने फ़ोन कवर पे. तो ये फिर मैंने वैसे बनाया. तो सबसे पहले मैंने वाइट एक्रेलिक से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए और बहुत तरीके के फ्लावर्स बनाए. सबसे पहले मैंने ये वाइट डेजी बनाया है जो बहुत ही क्यूट लग रहा था. द कलर वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग द फ्लावर, द बैकग्राउंड कलर, इट वॉज लुकिंग एक्चुअली रियली ब्यूटिफुल. और ये लीव्स मतलब पूरी ही डिटेलिंग मुझे तो बहुत पसंद आई थी. बट स्टिल जिसके लिए ये कवर बना था उन्हें ये भी पसंद नहीं आया है. तो सोचो इस फोन कवर पे फिर तीसरी बार पेंट हुआ था यार. इसके बाद मैंने फिर एक बार पेंट करा है, वो भी मैंने डाला है. मैंने ये भी डाला है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मतलब बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो और आपको कौन सा. मेरे को तो सारे ही जो मैंने कवर्स पेंट करे मुझे सभी अच्छे लगे. तो आप लोग मुझे बट ऑनेस्टली बताना कि आपको कौन सा वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया. तो मैंने इस पर ही बहुत टाइप के फ्लावर्स बना लिए और ये येलो फ्लावर्स बना के तो मैंने इसे एक कंप्लीट लुक दे दिया है. उसके बाद मैंने ये जो डबल साइडेड टेप लगाया था मैंने इसे पेपर टेप लगाया था मैंने उसको हटा दिया है. और ये जो रिमेनिंग स्पेस है वहाँ पर मैंने एक कोट पेंट करा है. और ये पेंटिंग मैंने दिन में स्टार्ट करी थी तो उस टाइम काफ़ी अच्छी लाइट थी और शाम को पेंट करते करते ये शाम हो गई है तो इस वजह से जो लाइट है वो थोड़ी डिम होती जा रही है धीरे धीरे. आप देखोगे इग्नोर इट प्लीज़, क्योंकि मैं बाहर बालकनी में बैठ के इसे पेंट कर रही थी तो एज यू कैन सी कि धीरे धीरे लाइट डिम हो रही है. सो दिस वॉज द फाइनल प्रोडक्ट जिस पर मुझे तीसरी बार पेंट करना पड़ा. ओके तो ये फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप जो करा मैंने ये करा. फिर जैसा उन्होंने मेरे को बताया था ना मैंने बिल्कुल हूबहू वैसा पेंट कर दिया क्योंकि मैं इस बार दोबारा पेंट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी. और फिर मैंने इस बार भी इसमें फ्लोरल प्रिंट्स जैसे कि उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें बड़े पैची फ्लोरल प्रिंट्स चाहिए तो मैंने वही बना दिए. मतलब ये भी ठीक है पर अब क्या कर सकते हैं, किसी को यही पसंद है तो कुछ नहीं कर सकते. तो फिर मैंने यही बनाया. सो कैन यू बिलीव कि ये एक ही फोन कवर पे मेरा तीसरा अटेम्प्ट है. और उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स कोट कर दिए यहाँ पर पेंट ब्रश से. बहुत धीरे धीरे पेंट करना आप इसे बहुत स्लोली क्योंकि छोटा कवर्स होते हैं और कभी कभी होता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में उनको ना टाइटनेस नहीं आ पाती है ढंग से. तो मेरे साथ भी हुआ था ये, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत धीरे धीरे करना इसे. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा वो है वार्निश करने का. तो ये कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट लग रहा है और नेक्स्ट जो है वो हमारा ये कवर है. में क्या प्रॉफिट था कि इस कवर में ऑलरेडी एक कलर्ड कवर था, मतलब इस पर ट्रांसपेरेंट नहीं था या वाइट नहीं था. और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊंगी कि आप कभी भी फ़ोन कवर पेंट करो तो प्लेन फ़ोन कवर पे कभी मत करना, आपको उस पर एक बैकग्राउंड की लेयर डालनी पड़ेगी. इससे अच्छा है आप एक कलर्ड फ़ोन कवर लेके आओ किसी भी कलर का और उसके ऊपर कुछ भी पेंट करो, दैट वुड बी मोर कम्फर्टेबल एंड मोर बेटर. तो उसके बाद जिनके मैंने दीदी का अपनी दीदी का ये फ़ोन कवर पेंट करा था उनको भी भैया फ्लोरल प्रिंट ही चाहिए था. उन्होंने भी मुझसे कहा कि नहीं उन्हें ऐसा ही चाहिए, मैं कुछ और पेंट करने वाली थी बट फिर उन्होंने कहा था तो मुझे उनके हिसाब से पेंट करना पड़ा. तो फिर इसमें भी मैंने ये वाइट फ्लावर्स ही बनाए हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी, मतलब उसके मतलब 15 मिनट में आई वॉज कम्प्लीट विद दिस. और जो नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है वो है हमारा वार्निश का. तो आप इसे वार्निश लिक्विड वार्निश ही यूज़ करना और अपने फ़ोन कवर को उससे अच्छे से सील कर देना जिससे कि आपका जो कलर है वो ख़राब ना हो और सिक्योर रहे, लॉक रहे, सील रहे. तो ये टड़ा हमारा जो फ़ोन कवर है ये हो गया है रेडी, एकदम सूखने के बाद परफेक्टली रेडी है, कलर नहीं हटेगा अब. और जो फाइनल फ़ोन कवर है वो है मेरा खुद का फ़ोन कवर. ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा है, अपने हिसाब से डिज़ाइन करा है, अपने हिसाब से पेंट करा है. ये मेरा बहुत पुराना iPhone 6s का कवर, मतलब जो मेरा फ़ोन है उसका कवर था बहुत पुराना. फिर उसके बाद मैंने कुछ अलग पेंट करने का सोचा तो मैंने इसमें जो सॉन्ग एडिशन वाले छोटे छोटे पोलरॉइड्स लोग पेंट करते हैं वो पोलरॉइड मैंने अपने फ़ोन कवर पे पेंट करा है. तो मेरा एक बहुत ही खास गाना है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, जिसे मैं दिन भर सुन सकती हूँ और सुनती भी हूँ, रात को इसे सुने बिना सोती नहीं हूँ आजकल. तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसी गाने को पेंट कर लूँ. तो मैंने उसी गाने को पेंट करा है और जिस गाने का नाम है फलक देखूँ. ये गरम मसाला मूवी का गाना है, मूवी तो अलग है बट ये गाना इज़ अ मास्टरपीस, अ टोटल मास्टरपीस. तो सुनना ये गाना आप लोग मुझे बता
बताना आप लोगों को कैसा लगा सुनने के बाद। मतलब मेरा तो बहुत ही खास और बहुत ही पसंदीदा गाना है ये। उसके बाद मैंने इस गाने के लाइन से, इस गाने के टाइटल से मैच करते हुए कुछ खूबसूरत सा पोलरॉइड पेंट करा है। ये मैंने जहाँ आसमान और ज़मीन मिल रहे हैं, जिस जगह पर एक फलक दिख रहा है, जहाँ मैंने वो पेंट करा है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया। इन सब में सबसे यूनिक यही था। सो फाइनल प्रोडक्ट इज लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।